हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या मॉम्स किचन। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे केक, वो भी इडली के स्टैंड में, इडली जितने टाइम पे। आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम सॉफ्ट और जालीदार आज हम केक बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आज हम केक बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 चम्मच दही लिया है। यहाँ हमने ताजा दही का यूज किया है, दही आपको खट्टा नहीं लेना है। और 1/2 कप यहाँ हमने पाउडर शुगर लिया है। यहाँ मैंने शक्कर को मिक्सी के जार में पीस के इसको छान लिया था ताकि इसमें जो मोटे मोटे दाने हैं वो ना रहें, तो ये क्या घुलने में हमें आसानी रहेगी। और इसमें मैंने 1/4 कप तेल यूज किया है। तो चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसे जब तक चलाना है जब तक कि जो शक्कर है वो अच्छे से इसमें घुल नहीं जाए। और ये सब एक अच्छे से, ये देखिए हम इसमें अच्छे से घुल गई है शक्कर भी। अब मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया है। यहाँ मैंने मैदा को छान लिया था, आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें भी छान सकते हैं। यहाँ मैंने छान कर ही मैदा का यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है, आप चाहे तो मिल्क पाउडर नहीं डालें, पर मिल्क पाउडर से क्या इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर यूज किया है, 1/4 चम्मच यहाँ मैंने बेकिंग सोडा का यूज किया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1/4 चम्मच ऑलरेडी दूध डाली है। इसका वीडियो मेरा दोस्तों थोड़ा सा कट गया था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच दूध मैंने पहले से ऐड कर लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखेंगे हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा और है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और मिला दिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों इडली के सांचे में, और इडली जितने टाइम में आप कभी भी केक बना सकते हैं। ना कोई झंझट, ना कोई ऐसा नहीं कि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप उसमें माइक्रोवेव में ही केक बने। आप इडली के सांचे में कभी भी आप केक को बना सकते हैं। यहाँ मैंने इडली के सांचे को गैस पर रख लिया है और इसमें मैंने 1 कप नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नमक की जगह आप बालू का भी यूज इसमें कर सकते हैं। और इसको हम ढककर 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। यहाँ मैं जेब्रा केक बना रही हूँ इसलिए मुझे 2 कलर का बैटर करना है, इसलिए मैंने बैटर को हाफ कर लिया है। ये देखिए आधा बैटर मैंने दूसरे बोल में ट्रांसफर कर दिया है और आधा मैंने इसी में रहने दिया है। आप चाहें तो सिंपल केक भी बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार केक बनेगा दोस्तों, और एकदम इडली जितने टाइम में हम ये केक को कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे कोको पाउडर का यूज किया है क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट फ्लेवर का यूज करना है, इसलिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर का यूज किया है। और यहाँ हम इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इडली के जो सांचा है उसमें अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें तेल लगा लेंगे। अब हम इसमें अपने बैटर को रखेंगे। हमें जेब्रा का टेक्सचर देना है तो ये देखिए सबसे पहले हम इनमें 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट केक का रखेंगे। मैं आपको जो है एक सांचे में आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम 1 बड़ा चम्मच इसमें चॉकलेट का रखेंगे। और जो 1 चम्मच है वो हम नॉर्मल अपने बैटर का रखेंगे, जो सिंपल बैटर है उसका हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें। हमें सेंटर से ही सारे बैटर डालना है तो ये क्या है अच्छे से इसमें ये जो टेक्सचर है इसका जेब्रा का वो बहुत अच्छा आएगा। और दिखने में भी दोस्तों ये बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने ये जेब्रा केक बनाया। आप चाहे तो सिंपल केक भी इसमें बना सकते हैं, सिंपल बैटर से आप इसमें चेरी वगैरह डालकर भी इसको सिंपल केक बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी डालकर भी आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही। अब हम 1/2 चम्मच इसमें चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे, 1/2 चम्मच ही डालना है दोस्तों आपको। पहले हमने 1 चम्मच डाला था, फिर हम 1/2 चम्मच इसमें चॉकलेट बैटर को डालेंगे।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी फ्लेवर का केक इस तरह से आप बना सकते हैं। कभी भी आप पे घर पे केक खाने का मन है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से। अब आधा चम्मच हम इसमें, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें हम व्हाइट बैटर डालेंगे। हमें ज़्यादा ओवर बैटर नहीं करना, नहीं तो ये क्या फूलेगी अभी, तो ये बाहर निकल आएगा, इसलिए हमें उतना ही इसमें बैटर रखना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें व्हाइट बैटर को भी डाल दिया है। अब फिर से हम चॉकलेट बैटर को डालेंगे और लगभग एक एक बूंद यहाँ हमें चॉकलेट बैटर को डालना है। ये हमारी लास्ट स्टेज है, ये देखिए इस तरीके से बस। अब हम टूथपिक की सहायता से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये देखिए हमने सेंटर से ही लेना है और कॉर्नर पर छोड़ना है। जब भी हम इस तरह का शेप देंगे तो हमें इसे सेंटर से ही लेना है। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली दोस्तों ये रेसिपी है। आप इडली के सांचे की जगह कुकर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुकर का यूज करें तो उसकी रबड़ और उसकी जो सीटी है वो निकाल दें। किसी भी आप हैवी तले के बर्तन में इसको आराम से यूज कर सकते हैं, चाहे भगोनी हो चाहे भगोना हो। मैंने यहाँ इडली के सांचे का यूज किया है। ये देखिए अब हम इसमें अपने दोनों जो इडली के जो सांचे हैं वो रख देंगे। हमने इसमें इडली के अपनी दोनों प्लेट्स रख दी हैं। अब इसको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जैसे ही जो इसकी जो प्लेटें हैं वो गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे और लगभग 15 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पर रखे रहने देंगे। मतलब टोटल हमें ये इडली बनने में 20 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों। 20 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये देखिए 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी तरीके से इडली फूल गई है और इसका कलर भी देखिए दोस्तों कितना सुंदर आया है। अब हम इसको टूथपिक की सहायता से थोड़ा चेक कर लेंगे कि जो हमारी जो केक है वो अच्छे से पका है या नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चिपका है। आप इसे टूथपिक चाकू की सहायता से इस तरीके से चेक कर लें। ये देखिए मैंने दूसरी भी चेक कर ली है। मतलब हमारा जो केक है वो अच्छी तरीके से फूल गया है, अच्छी तरीके से ये पक गया है। अब हम इसको 2 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि जो अभी जो सांचा है और इसकी प्लेट है बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप एकदम इसको ना छुए, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। ठंडा होके निकालेंगे तो ये जो जाली है बहुत अच्छी भी दिखेगी और बहुत सुंदर भी दिखेगी। ये देखिए हमने थोड़ा ठंडा होने पर इसको निकाल लिया है दोस्तों। अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई, मुझे आपको दिखाना है इसलिए अभी थोड़ा सा गर्म है। आप जब भी निकालें इसको ठंडा करके ही निकालें क्योंकि ठंडा होने पर ये बहुत ज्यादा अच्छा और सॉफ्ट दिखेगा। अभी ये गर्म है दोस्तों, मैं आपको गर्म में ही दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी सॉफ्ट हमारी जो केक है वो बना हुआ है, वो भी इडली के सांचे में, इडली जितने टाइम में दोस्तों। बहुत से बहुत 5 मिनट ज्यादा सही, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके से कभी भी घर पे बना सकते हैं। बच्चों को कभी भी खाने का मन हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कोई गेस्ट भी आ जाए तो हम इस तरीके से कुछ उन्हें अलग आइटम भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ये देखिए एकदम सॉफ्ट दिखने में कितनी सुंदर, इसका टेक्सचर भी कितना सुंदर है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी दोस्तों। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके से कभी भी हम केक बना सकते हैं। मैंने इस 2 फ्लेवर में लिया, आप किसी भी फ्लेवर में इस तरीके से केक बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, खाने में भी बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट। आप इजी तरीके से इस तरीके से कभी भी दोस्तों आप केक को बना सकते हैं। आप जिस फ्लेवर का चाहें उस फ्लेवर का आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहले रेसिपी बनाए और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें दोस्तों और मुझे बताएं कि मैं किस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर एक केक मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर इसमें छोटी छोटी जाली भी आ गई है, बहुत ही सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।